गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। मैं जानता हूं ईश्वर, मैं चींटी जैसा हूं और तू ऊंची उड़ान भरने वाला गरुड़ है। मैं तुझ तक नहीं आ सकता, लेकिन तू तो मुझे देख सकता है। तू सर्वसमर्थ है, तू मुझ तक पहुंच सकता है, फिर देरी क्यों करता है? नन्ने नन्ने, बोलूं प्रेम से, नन्ने नन्ने पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। मैंने उंगली दी तुझको, तूने हाथ है मेरा पकड़ा। संकल्प हमने उठाया कि यहाँ कथा होनी चाहिए, लेकिन कथा को मूर्त रूप देने का काम किसने किया? क्या मैंने किया? क्या आपने किया? क्या हम में से एक की भी ऐसी शक्ति है, ये ताकत है, ये सामर्थ्य है कि हम भगवान की कथा का आयोजन कर सके? हमने तो केवल एक धुंधली सी आशा जगाई थी कि कथा होनी चाहिए, और वो सर्व कर्ता धर्ता जगदीश्वर, उससे क्या छुपा है, क्या नहीं कर सकता? हमने तो एक उंगली दी थी संकल्प की, उसने तो हाथ नहीं, उसने गले लगा लिया कि बेटा आप सब हमारे हो, आप अधिकारी हो कथा सुनने। मैंने उंगली दी तुझको, तूने हाथ है मेरा पकड़ा। तड़प नहीं थी मुझ में, लेकिन तड़प नहीं थी मुझ में, लेकिन तेरे प्यार ने मुझको पकड़ा, तेरे प्यार ने मुझको जकड़ा। मैं उलझन में ऐसा उलझा, चाहूं निकल न पाऊं, ऐसी राह दिखा दो प्रभु जी, भवसागर तर जाऊं। नन्ने नन्ने पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो अनुभव तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ लो मेरा। हे भगवान, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, आप मेरे, बस ये भाव दृढ़ हो जाए। आप भगवान को दुनिया की कोई चीज न दोगे तो नाराज नहीं होंगे, लेकिन आप प्रेम के दो अश्रु चढ़ा दोगे, उसको दिल से अपना मान लोगे, तो फिर सारे नाते रिश्ते दुनिया के खत्म हो जाएंगे, वो भगवान और आपका नाता शाश्वत हो जाए। न जाने कितने जन्मों से भटकते आ रहे हैं, पति को अपना माना, बच्चों को अपना माना, पत्नी को अपना माना, न जाने किस किस को अपना मानकर हमेशा हर जन्म में सबसे धोखा खाते आए। क्या इस जन्म में हम ईश्वर को अपना नहीं मान सकते?
इस जन्म में हम भगवान से सच्चा नाता नहीं जोड़ सकते। बस ये कथा का एक सार आज हम यहां से लेकर जाए कि हम केवल भगवान को अपना मान, जैसे दुनिया को अपना मानते, रिश्तों को अपना मानते, घर की चीज वस्तुओं को अपना मानते, कपड़े को अपना मानते, ऐसे एक दिन भगवान को अपना मान लो, ये सब तो एक दिन छूट जाएगा। वो भगवान सदा साथ दे। और अगर भगवान को भूल गए भगवान को भूल कर इस संसार से चले जाओगे, फिर यमराज डंडा लेकर खड़ा है, और भगवान के नाम को याद रखकर अगर इस संसार से जाओगे तो फिर वहां भगवान स्वयं आपके स्वागत के लिए बाहें पसार के खड़े हैं, बाहें पसार के खड़े रहेंगे। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम, भगवान का ये व्रत है, हम हमारा व्रत तोड़ सकते हैं, भगवान अपना व्रत नहीं तोड़ सकते। इसलिए बड़ा सुंदर गया है पथिक जी महाराज ने लिखा है, भूल कर हरि नाम को घर यहां से जाएगा, धर्मराज के सामने तू क्या मुंह दिखा।